महाराष्ट्र में भले ही राष्ट्रपति शासन लग गया हो, लेकिन सूबे में राजनीतिक हलचल अभी भी तेज है। जहां एक तरफ शिवसेना में मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसे लेकर आज भी बैठकों का दौर चला, जिसमें दोनों दलों की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूबे में जारी सियासी उठापटक शांत हो जाएगी, लेकिन सरकार बनाने को लेकर हलचल अब भी जारी है। एनसीपी और कांग्रेस में आज भी बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बताया कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब हम आगे की रणनीति पर बात करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और एनसीपी ने 5-5 लोगों की कमेटी बनाई है, जो आगे की रणनीति तैयार करेगी। एनसीपी की ओर से बनाई गई कमेटी में छगन भुजबल, जयंत पाटिल, अजीत पवार, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे का नाम शामिल है। तो वहीं कांग्रेस की कमेटी में अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, माणिकराव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान और विजय पेडटीवार को जगह दी गई है। अब ये सदस्य कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेंगे और उसके बाद शिवसेना से बात की जाएगी। कमेटियों के गठन से पहले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया था कि सरकार गठन को लेकर अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत समय है। यानी साफ है कि एनसीपी और कांग्रेस बहुत सोच समझकर ही आगे की रणनीति पर काम करेंगे। वैसे जहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में मंथन का दौर तेज है, तो वहीं बीजेपी ने भी 3 दिनों की बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी की इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के सभी विधायक शामिल होंगे। ये बैठक मुंबई में होगी, जिसमें राज्य के हालात, मध्य अवधि चुनाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।